जी तो ये हमारी रियल फोटो और ये वन क्लिक के बाद यानी कि एक क्लिक का इसके ऊपर फिल्टर डाला है और आप देख सकते हैं हर चीज जो है परफेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखें स्किन टचिंग, आई वर्क, टीथ वर्क, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है काम का लोड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मेरे पास फोटो एडिटिंग का काम आता है, जिसकी वजह से मैं सारा काम जो वन क्लिक के अंदर करना चाहता हूँ कि स्किन टचिंग वगैरह और जो कलर टूंगा हर चीज वन क्लिक में हो जाए ताकि मेरा जो है वो टाइम बचे। तो इसी तरीके का एक मैंने फिल्टर जो है ढूंढा है बहुत ही कमाल का, जिसके अंदर आप हर तरीके की जो हाई एंड प्रोफेशनल लेवल की जो स्किन, इसके अलावा जो दाने होते हैं उनको एक ही क्लिक में खत्म करना है, इसके अलावा आईज वर्क, फेस वर्क, हर तरीके का वर्क, टीथ का वर्क, ये सारा आप ही एक ही फिल्टर में वन क्लिक के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए आपको इसी फिल्टर के बारे में बताता हूँ। तो आज की वीडियो के हमारे दो स्टेप है, पहले स्टेप में आपको इस फिल्टर की वर्किंग के बारे में बताऊंगा, सारा काम जो है फेस का आपको इस फिल्टर के अंदर वन क्लिक के अंदर जो पहले नंबर पे करके दिखाऊंगा, दूसरे नंबर पे इसको डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारी एक फोटो है, इसके ऊपर आप देखें कितने ज़्यादा पिंपल हैं, कितने ज़्यादा दाने हैं, तो इनको हमने करना है एक क्लिक के अंदर ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर जो आपके फिल्टर के अंदर आ जाएगा, डिटच मी, यहाँ पर जाना है आपके ने हील के अंदर, ठीक है। हील के अंदर जाने के बाद सिर्फ आपका ये कुछ ही सेकंड लेगा, तकरीबन यहाँ पर देखें तो 5 से 7 जो है सेकंड लेगा और आपकी फोटो जो है वो सारे दाने जो है वो एक ही क्लिक में ख़त्म कर देगा। अगर आप इन्हें मैन्युअली करती हैं, एक एक दाने के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें ये हमारी पिक्चर के सारे दाने जो है वो गायब हो चुके हैं। यहाँ पर ओरिजिनल देखें, ये देखें कितने देर के अंदर, सिर्फ एक क्लिक के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर ये देखें सबसे पहले हम दाने जो है हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, अब जो है हम देखते हैं कि डॉज एंड बर्न कैसे कर सकते हैं, दूसरा जो हमारा मेथड है, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी फोटो जो है फेक लगती है अगर आपने डॉज एंड बर्न सही नहीं किया। तो चलिए एक क्लिक के अंदर आप डॉज एंड बर्न भी कर सकते हैं, यही ये भी बहुत कमाल की ट्रिक है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, ये पहले मैं दाने ख़त्म दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि पहले मुझसे जो है अप्लाई कट हो गया था सॉफ्टवेयर, तो अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कुछ ही सेकंड के बाद ये आपके दाने खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम डोज एंड बर्न के ऊपर जो है वो देखते हैं कि ये किस तरीके करता है। यहाँ पर आप देखें तो हमारी स्किन जो है अभी इवन नहीं है, इवन देखें तो यहाँ पर कहीं से कहीं ज़्यादा लाइट है, कहीं पर कम लाइट है, कहीं से यानी कि अभी भी थोड़े थोड़े निशान बाकी है। तो ये डोज एंड बर्न के अंदर सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये पहले नंबर पर हमारा आ गया डोज एंड बर्न, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, ये एक ही क्लिक के अंदर आपकी स्किन को इवन भी कर देगा सारे, यानी कि जहाँ पर लाइट कम है ज़्यादा है वो भी सही कर देगा और आपकी स्किन को एक प्लेन लुक दे देगा, जैसा कि आपकी हाई एंड रिटचिंग के अंदर जो है वो होती है। तो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये डोज एंड बर्न थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है, तो इस वजह से ये सारा AI तरीके से यानी कि खुद ब खुद ये सॉफ्टवेयर जो डिटेक्ट करता है आपके फेस को, आपके हाईलाइट को, शेडोज़ को, और एक क्लिक के अंदर डन, ठीक है। अगर हम जो है मैनुअल करना चाहते हैं यहाँ पर डोज एंड बर्न, तो हमें कई तरीके के जो है वो डिफरेंट मेथड जो है इख्तियार करने पड़ते हैं, उसके बाद जो हमारा डोज एंड बर्न होता है। तो यहाँ पर देखिए आप स्किन को, अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा इवन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए फुल प्रोफेशनल लेवल की हाई एंड टचिंग जो है वो एक ही क्लिक में हो चुकी है। अब ओरिजिनल भी देख लें, ये थी ओरिजिनल, ये है डोज एंड बर्न के बाद, और आप देखिए सारी स्किन को उसने इवन कर दिया है, बिल्कुल प्लेन एक बराबर और बहुत ही हाई एंड किस्म की जो है स्किन लग रही है। और यहाँ पर टेक्सचर देखिए आप, सारा आपका टेक्सचर भी है बीच में और बहुत ही कमाल की हो गई। तो यहाँ पर जो है आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा और आपकी स्किन जो है वो रिटच हो गई, देखें बहुत ही कमाल की, बहुत ही अच्छे तरीके से रिटच हो गई। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने जो है टीथ के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पर टीथ वाइज का वन क्लिक जो है हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये टीथ देखें हमारे थोड़े से गंदे लग रहे हैं, तो इनको जो है बहुत ही कमाल का ये वाइट और बहुत ही खूबसूरत बना देगा। तो मैंने पहले भी करके देखा है, मैं काफ़ी देर से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो इसके ऊपर 100% बिलीव है कि ये इसको बहुत ही परफेक्ट कर देगा जी। तो यहाँ पर आप देखें हमारे टीथ देखें कितने अच्छे यानी कि वाइट हो चुके हैं। यहाँ पर ओरिजिनल देखें और ये देखें कितना यानी कि आपको फ़र्क जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखें जी ओरिजिनल और ये, ठीक है जी। बहुत ही कमाल का ये जो है फिल्टर है, वन क्लिक के अंदर आपके टीथ भी बहुत ही कमाल के कर दिए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आईज वर्क के ऊपर। तो यहाँ पर हम जाएंगे और जाएंगे आईज के ऊपर। यहाँ पर दो जो है आपके आपको मिलते हैं फिल्टर आईज के, ये पहले नंबर वाले के ऊपर जो हम क्लिक करके इसको देखते हैं। ये आपका क्या करेगा कि आईज को बहुत ही नेचुरल किस्म का जो होता है आपका बहुत ही कमाल का आई वर्क कर देगा, आपके आई के अंदर हाइलाइट्स जो है वो ऐड कर देगा जो कि बहुत ही कमाल के लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारी जो है आईज़ का वर्क जो है इसने कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको हल्की सी नीचे एक लाइन महसूस हो रही है, ओरिजिनल देखें ये ठीक है जी। इसमें इसने क्या किया कि आपकी आईज़ को वाइट कर दिया। आपको पता है पोर्ट्रेट के अंदर जो
आइज बहुत ज़्यादा तंग करती है, देखें कितनी डल आइज थी, और यहाँ पर इसने सारे इसके वाइट एरिए को, नीचे वाले एरिए को काफ़ी हद तक जो है इन्हेंस कर दिया, ठीक है। जो कि आप जब आप करेंगे मैनुअली तो आपके काफ़ी चांस हैं कि आपसे गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वन क्लिक के अंदर ही आपका बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये वाले ये जो है फिल्टर हैं जिनके ज़रिए हमने ये सारा काम किया है। पोर्ट्रेट वॉल्यूम, पोर्ट्रेट वॉल्यूम के अंदर आप क्या करते हैं, आप जो अपनी हाईलाइटिंग एरिया के ऊपर थोड़े से और हाईलाइट को ऐड करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आप डोजन वन में जब ज़्यादा यहाँ पर जो कंटूरिंग करते हैं वो वाला जो है यहाँ पर मेथड होगा। तो चलिए इसको भी एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ ही टाइम लेगा और आपके इस सारे जो हाईलाइटेड एरिए को ज़्यादा हाईलाइटेड कर देगा, जो कि हम एंड पे यानी कि अक्सर मैं करता होता था, तो अब जो है मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है कि एक ही क्लिक के अंदर मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। तो चलिए आपको फ़र्क दिखाता हूँ, ये है ओरिजिनल और ये है शाइन के बाद। देखें हमारी जो है चीक्स के ऊपर शाइनिंग, हमारे जो है आप देखें और जो है हमारे साइडों पे थोड़ी शाइनिंग और आईज़ के अंदर शाइनिंग, और हमारी जो है आईब्रो है इनको थोड़ा खुद ब खुद ही इसने ब्लैक कर दिया, यानी कि एक डोजन बर्न को थोड़ा इन्हेंस कर दिया है, और बहुत ही यानी कि कमाल के शेडोज़ जो हैं उसने और जो है हाईलाइट और शेडो जो है इस फोटो के अंदर खुद ब खुद कर दिए हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखें तो अगर आप चाहती हैं स्किन टोन को जो है बहुत ही कमाल की इवन करना, वो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मेरे पोर्ट्रेट के अंदर जो स्किन टोन ऊपर नीचे है, यानी कि कहीं पे थोड़ा ज़्यादा ब्राउन है कहीं पे कम है, तो इस सारी चीज़ को कवर करने के लिए ये वाला जो है हमारा आप देखेंगे अभी, तो ये हमारा जो है फिल्टर काम आता है जी। तो यहाँ पर आप जो है स्किन टोन जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पहले हमारी स्किन टोन जो है वो थोड़ी सी ऑरेंज ऑरेंज है, लेकिन इसको ऐसे करने के बाद अगर आप एक फ़िल्टर को लगा के देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें आपको लिप्स के ऊपर फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। ये आपकी टोन को फुल जो रियल आपकी स्किन टोन होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखें तो इसको आप अगर पूरा लगाएंगे पेस्ट्री पे, जो आपकी ओरिजिनल कलर टोन है, जो आपकी ओरिजिनल कलर टोन है जो कि कैमरे में वाइट बैलेंस की वजह से डिफरेंट लाइट्स की वजह से ख़राब हो जाती है, तो वो बिल्कुल नेचुरल कर देगा। अब आप अगर इस जो है वो इसको देखें तो यहाँ पर ये फुल नेचुरल टोन जो है इसने बना दी है, जो कि कमाल की लगती है, जो अच्छी लगती है। आपको पता है अक्सर जो है शूट्स के अंदर, अक्सर शूट के अंदर हमें नेचुरल स्किन टोन ही चाहिए होती है, आपके ब्रांड्स के शूट के अंदर, आपके वेडिंग के शूट के अंदर नेचुरल स्किन टोन चाहिए होती है, जो कि हम एक ही क्लिक में इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर में बात कर लेते हैं हमने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है इनकी वेबसाइट है जहाँ से मैंने जो है इसको डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सारी इनके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इनको आप किसी को भी जो है वो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हील के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप इसे बाय कर सकते हैं, इसकी कुछ प्राइस है, तो उसके बाद जो आप इसे बाय कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पर जो है मौजूद हैं, ये वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर अभी क्लिक करें और इनको जो है वो बाय कर लें, डाउनलोड कर लें, उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगली तक के लिए बाय।